क्या आपको पता है कल्पना चावला के मौत का कारण क्या था? क्या थी असली वजह? कैसे हुआ था उनका स्पेसक्राफ्ट ब्लास्ट? अगर नहीं पता तो आप वीडियो में बने रहो जानने के लिए, नहीं तो आप भी ज्ञान के अंधे हो। दिन था 1 फरवरी साल 2003, जब नासा का कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट धरती पर लौट रहा था। उसमें बैठे थे 7 एस्ट्रोनॉट, जिसमें से एक हमारी कल्पना चावला भी थी, जो हमारे देश के लिए बहुत ही खास थी। और ये 7 एस्ट्रोनॉट 2 हफ्ते स्पेस में बिताने के बाद वहां से वापस लौट रहे थे। शुरू में तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, जैसे प्लान था उसके मुताबिक सब सही चल रहा था। लेकिन एक हस्बैंड कुछ जवाब दे रहे थे, तभी लाइन कट हुई और उनके मुंह से आखिरी शब्द निकला था रोजर। लाइन कट होने के बाद नासा के स्पेस सेंटर में मौजूद साइंटिस्ट बार बार संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। और कुछ ही मिनटों बाद कैनेडी स्पेस सेंटर में एक कॉल आता है और कहा जाता है कि टीवी ऑन करके न्यूज देखे, और वहां पता चलता है कि कोलंबिया स्पेस शटल ब्लास्ट हो चुका है। और इस ब्लास्ट हुए स्पेसशिप के टुकड़े टेक्सास में गिरने लगते हैं, और फिर ये सबको पता चलता है कि स्पेसशिप ब्लास्ट हो चुका है। और कुछ देर बाद प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश देश को एड्रेस करते हैं कि अब कोई नहीं बचा, स्पेसशिप ब्लास्ट हो चुका है। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 में करनाल के हरियाणा शहर में एक कंजर्वेटिव परिवार में हुआ था। इनके पेरेंट्स बनारसी लाल चावला और संज्योति चावला पार्टीशन के दौरान पाकिस्तान से इंडिया आए थे। सन 1994 में नासा 20,000 एप्लीकेंट में से 20 लोगों को सिलेक्ट करती है एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के लिए, जिसमें से एक कल्पना चावला भी थी। नवंबर 1997, 3 साल की ट्रेनिंग के बाद कल्पना चावला अपनी पहली उड़ान भरती हैं कोलंबिया प्रोग्राम फ्लाइट STS-87 के अंदर। और इस स्पेस शटल में बैठकर कल्पना चावला 250 से ज्यादा बार धरती के चक्कर लगाती हैं और 2 हफ्ते तक स्पेस में रहती हैं। STS का पूरा नाम स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, और ये नासा की तरफ से ऑफिशियल नाम था स्पेस प्रोग्राम का। और ये प्रोग्राम 4th प्रोग्राम था जिसमें ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होती थी, और नासा का मेन फोकस था रियूजेबिलिटी, एक ही स्पेस शटल को ऊपर लेके जाया जाए और दोबारा उसे नीचे लेकर आया जाए, और बार बार हमें स्पेस शटल बनाने की जरूरत ना पड़े। कोलंबिया सबसे पहली बार स्पेस में अप्रैल 1981 में गया था, और इस डिजास्टर से पहले ये स्पेस शटल 27 सक्सेसफुल मिशन कम्प्लीट कर चुका था। अब सवाल ये उठता है कि एक ही स्पेस शटल को इतनी बार यूज करना कहीं कारण तो नहीं था कल्पना चावला की मौत का और इस डिजास्टर का? तो जवाब है नहीं, क्योंकि STS स्पेस प्रोग्राम को स्पेशली रियूजेबिलिटी के लिए ही डिजाइन किया गया था। तो आखिर क्या कारण था इस बड़े हादसे का? क्या किसी पायलट की गलती थी, या किसी क्रू मेंबर की गलती थी, या किसकी गलती थी? तो इन सब का जवाब है किसी की भी गलती नहीं थी। इन सातों के सातों एस्ट्रोनॉट में से किसी भी की भी गलती नहीं थी। और 3-4 मिनट के पहले तक स्पेस शटल में बैठे किसी भी एस्ट्रोनॉट को यह अंदाजा भी नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। और 8:58 पर ये इंडिकेशन मिलता है एस्ट्रोनॉट को कि जैसा सब कुछ होना चाहिए वैसा नहीं चल रहा। कोलंबिया के बैकअप सॉफ्टवेयर ने डिस्प्ले पर कुछ मैसेजेस दिखाए कि जैसा होना चाहिए वैसा हो नहीं रहा है, और वह मैसेज ये दिखाया गया कि स्पेसक्राफ्ट के लेफ्ट वाले गियर के 4 पहियों पर प्रेशर लॉस हो गया है। और ये वार्निंग सिर्फ 1 मिनट पहले आई थी, जब कोलंबिया ने धरती से अपना कॉन्टैक्ट खो दिया था, सिग्नल खो दिया था। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि ये नासा को पहले से ही पता था कि ऐसा होने वाला है, वो भी 1-2 घंटे पहले नहीं, 16 दिन पहले ही पता था। और ये बात उसी दिन पता चल गई थी जिस दिन शटल लॉन्च हुआ था। और बात ये थी, लॉन्च के 81 सेकंड बाद एक छोटा सा फोम का टुकड़ा लेफ्ट विंग से जाकर टकरा गया था। और ये फोम का टुकड़ा सिर्फ छोटा सा था, 750 ग्राम का था लगभग, लेकिन ये बहुत ज्यादा तेजी से टकराया था लेफ्ट विंग में जाकर। इसकी वेलोसिटी एस्टिमेट करी जाती है कि उस समय इसकी वेलोसिटी 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से थी। इस क्रैक को जांचने के लिए नासा के कुछ लोगों ने कहा था कि स्पाई सैटेलाइट का यूज किया जाए, लेकिन ऑफिशियल्स ने मना कर दिया था। और इस मामले में एक कमेटी भी बनाई गई थी जिसे जिम्मा दिया गया था डिटेल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और तो यही था कारण उस ब्लास्ट का, उस डिजास्टर का। अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जब तक ज्ञान के अंधे मत बनो।